हेलो एवरीवन। तो फाइनली हम लोगों ने एस ब्लॉक चैप्टर को ओवर कर दिया है और आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15। ठीक है, इसका मतलब पी ब्लॉक या फिर आधा पी ब्लॉक बोलो। एनसीईआरटी में ये चैप्टर पूरा का पूरा आपको 11th में दिया हुआ है, बट बोर्ड में आपको 13, 14, 15 इस साल दिया है और 16, 17, 18 नेक्स्ट ईयर दिया है। कारण एक्चुअली देखो, एनसीईआरटी की सोच कैसी है कि एस ब्लॉक पी ब्लॉक इसी साल ख़त्म कर देंगे, बाकी डी ब्लॉक वगैरह हम लोग अगले साल कराएंगे। अपना बोर्ड क्या सोचता है कि पी ब्लॉक बहुत बड़ा चैप्टर है तो उसका कुछ पार्ट हम इस साल दे देते हैं ताकि स्टूडेंट पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े और कुछ पार्ट अगले साल दे देंगे। अगर स्टूडेंट सिंसियर हुआ तो उसके लिए फ़ायदा है, अगर स्टूडेंट सिंसियर नहीं हुआ तो उसके लिए फ़ायदा नहीं है। मतलब अगर स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई किया 11वीं में, उसने ये चैप्टर पढ़ा, तो आपको वो अगले साल जब 16, 17, 18 पढ़ेगा तो उसको काफ़ी मदद मिलेगी इस चैप्टर से। बट ये चीज़ उनके लिए सही नहीं है जो 11th पढ़ के पूरा भूल जाएंगे, फिर 12th में नई शुरुआत करेंगे, तो उनके लिए ये चीज़ सही नहीं होती है। बट फिर भी एनसीईआरटी और अपना बोर्ड अलग अलग सोच है, हम दोनों की सोच को मिलाने की कोशिश करते हैं और हर बार असफल हो जाते हैं। खैर शुरू करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15। अच्छा एंड आएगा ना, अरे चलता है। अभी कुछ लोग बोल रहे थे यार ये ग्रामेटिकल मिस्टेक, किसी ज़माने में आप ग्रामर पढ़ाया करते थे, अरे भाई गया वो ज़माना। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनके बारे में आपको क्या क्या स्टडी करना है। सबसे पहले इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल फिर केमिकल प्रॉपर्टी, फिर इनकी कुछ एलिमेंटल प्रॉपर्टीज़ है ना, मतलब जैसे एटॉमिक रेडियस हो गया, फिर अलग प्रॉपर्टीज़ जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी और एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, ये सारी चीज़ें, और ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिर इनके ढेर सारे हम कंपाउंड्स पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि आपके बोर्ड में और एनसीईआरटी में 90% कंटेंट मैच है। मतलब आपकी बार ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी में कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ, नहीं 95% कंटेंट आपकी बार मैच है, उल्टा अपने बोर्ड की बुक में ज़्यादा ही कंपाउंड दे दिया है ना, तो अपने लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो आज के लेक्चर में हम बस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे, छोटा लेक्चर होगा 40 मिनट का, 30 मिनट का तो होता नहीं अपना लेक्चर है ना, वो ज़माना अलग था जब 7 मिनट में एक एक्सरसाइज कराया करते थे। ठीक है, तो आज हम लोग इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पूरी कवर करेंगे, एक एक एलिमेंट को अच्छे से जानेंगे, फिर अगले लेक्चर में हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर आगे दो लेक्चर में हम इनके कंपाउंड्स को पढ़ेंगे। मतलब 4 या 5 लेक्चर में ये चैप्टर ख़त्म हो जाना चाहिए, हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर चालू कर देंगे, चलो 10 चैप्टर हो जाएगा। तो अच्छा, सो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को हम लोग लिखते हैं, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15। पहले एलिमेंट्स को याद कर लेते हैं, उनके बाद ही चैप्टर शुरू होगा, है ना। सो क्या था, हाई हेली बी बी सी, ओके सी नॉफ ने। ठीक, अब सीरीज बनाओ, क्या था, बाल गया इंसान टकला, ठीक है, कैन सीता गेट स्टनिंग पब्लिसिटी। जब से मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है ना, तब से मेरा आई ऐसा बनने लगा है, हैबिट पड़ गई है मुझे, देखना है कुछ करना होगा। अच्छा, ना पैसा असली सब भिखारी, है ना, देखो फिर से आई वैसा ही बन गया। तो ये एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, तो एक बार नाम देख लो सबका, नाम क्या है इन एलिमेंट्स का, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम, सिलिकन, फॉस्फोरस, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, इंडियम, टिन, इंडियम, टिन, एंटीमनी, है ना, ऐसा एक्चुअली याद किया जाता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मत, है ना, तो ऐसा थोड़ा। ठीक है, ये क्या है आपका थैलियम, ये क्या है आपका लीड, ये क्या है आपका बिस्मत, तो नाम याद रखने का, बाकी काम हो जाता है। अच्छा, ग्रुप को पीरियड कौन सा इनका, हाई हेली बी बी सी, ओके, ये पीरियड 2 के हैं, ये पीरियड 3 से हैं, ये पीरियड 4 से हैं, ये पीरियड 5 से हैं, ये पीरियड 6 से है, पीरियड 7 वाले इलेक्ट्रो रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, रेडियो एक्टिव है वो, तो उनको हम लोग नहीं लिखते, तो उनकी बातें हमें नहीं करनी, आप लोग टेंशन मत लो। अच्छा, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, इसका कितना भाई, 5 + 8 कर दो 13, 13 + 18 कर दो 31, 31 + 18 कर दो 49, ठीक है, तो यहाँ पे आपने 18 जोड़ा, अब यहाँ पे 32 जोड़ दो, तो 49 + 32 आई थिंक 81 आता है, यस। सो इसका एटॉमिक नंबर 81, ये 82, ये 83, ये 49, ये 50, ये 51, ये 31, ये 32, ये 33, ये 14, ये 15, ये 6, ये 7, ठीक है। तो ये इन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर है, क्या हमें एटॉमिक नंबर याद करना है, बिल्कुल नहीं,
कुछ के याद रखो, जैसे फास्फोरस के, सिलिकन के, लीड के और आर्सेनिक के, एल्यूमिनियम के, इनके आप लोग कुछ याद रखो। बट टिन का याद करने की ज़रूरत नहीं है, थैलियम का याद, इंडियम का, इन सब का ज़रूरत नहीं है आपको। और अगर बाई चांस कभी आपको याद भी करना पड़ा, सो यू हैव मैजिक ट्रिक, मैजिक नंबर्स, है ना। वो क्या कहते हैं, बोलते भाई दूसरे से तीसरे में जाओ 8 जोड़ो, तीसरे से चौथे में जाओ 18 जोड़ो, हाँ चौथे से पाँचवें में जाओ 18 जोड़ो, पाँचवें से छठे में जाओ 32 जोड़ो, तो आपको देखो एटॉमिक नंबर मिलता गया। मैंने ऐसे ही तो लिखा मैजिक ट्रिक से, है ना, मैजिक नंबर से। तो ये थे आपके एलिमेंट्स, फिर से याद करते कौन कौन से एलिमेंट, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम, सिलिकन, फॉस्फोरस, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, इंडियम, टिन, लीड, सॉरी टिन, एंटीमनी, थैलियम, लीड और बिस्मथ। ये आपके एलिमेंट्स हैं ग्रुप 13, 14 और 15 के। एक एक ग्रुप के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपको टेक्स्ट बुक में दी गई है, तो वो दी गई है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। चलिए देखते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है। चलिए तो फिर लिखना शुरू करते हैं, है ना, मेरे साथ लिखना शुरू करिए। चलिए, सो एलिमेंट्स कौन, बाल, गया, इंसान, तेल लेने, ठीक। एलिमेंट्स दिस कंस्टिट्यूट्स द ग्रुप 13, कॉल्ड एज बोरॉन फैमिली। इसको हम क्या बोलते हैं, बोरॉन फैमिली, ठीक है। तो ये बोरॉन के भाई बहन लोग हैं, ठीक है, ग्रुप 13 के एलिमेंट्स बोरॉन के भाई बहन हैं। तो बताओ ग्रुप 14 वाले कौन से होंगे, कार्बन के होंगे। एलिमेंट्स कंस्टिट्यूट्स द ग्रुप 13, 14 कॉल्ड एज कार्बन फैमिली। फालतू पॉइंट है पर लिखने का, ऐसा नहीं है कि फालतू पॉइंट तो लिखेंगे ही नहीं भाई, बोर्ड के लिए भी पढ़ रहे हो, इसका भी ध्यान रखा करो, ठीक है। बोर्ड के लिए ही मेनली आप पढ़ रहे हो, जे नीट तो देखेंगे, ठीक। एलिमेंट्स कंस्टिट्यूट्स द ग्रुप 15 कॉल्ड एज नाइट्रोजन फैमिली, है ना। तो ये छोटी मोटी बातें थी, इसको लिख लो, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और सभी के एटॉमिक नंबर कम से कम आज के लेक्चर के लिए याद रख लो, इसके बाद हम करते हैं हर एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल केस बताऊंगा मैं, फिर आप लोगों को रिलेट कर दूंगा, ठीक है। चलो देखते हैं। अच्छा, सो मैंने आपको इनका मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में क्लासिफिकेशन नहीं बताया, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, सो कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटलॉइड है, ये सब कहाँ से पता चलता है, जिगजैग लाइन से। तो जिगजैग लाइन पीरियोडिक टेबल में ऐसी गई हुई है। तो जिगजैग लाइन के आजू बाजू वाले एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेटलॉइड। जिगजैग लाइन के आजू बाजू वाले एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेटलॉइड। और इधर के साइड वाले एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेटल्स। तो ये क्या है, सब ये सब है मेटल्स, और यहाँ पे जो बच गए वो नॉन मेटल्स। तो ये कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस क्या है, नॉन मेटल। तो मेटलॉइड कौन है भाई, मेटलॉइड ये लोग है जो बॉक्स में है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, मेरी तरह नहीं लिखोगे, कचरा हो जाएगा बुक में। आप क्या करोगे, ऐसा लिखोगे मेटल्स, फिर जो जो मेटल्स हैं उनके नाम, जैसे अच्छा बोरॉन नहीं है ना, तो मेटल्स के नाम आप लोग लिखोगे, एल्यूमिनियम, अरे सीधा लिख दो, ठीक है लिख देते हैं, बिस्मथ, ठीक है। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के नाम, अच्छा मेटलॉइड्स के नाम, तो कैसे हम लोग इनको याद करें, मतलब हम लोग कैसे याद रखेंगे कि ये मेटलॉइड है, ये नॉन मेटल है। नहीं, आप बस इतना याद रखो कि जिगजैग लाइन बोरॉन से शुरू होती है और ऐसे जाती है, फिर जिगजैग लाइन के आजू बाजू वाले एलिमेंट्स मेटलॉइड, और इस साइड वाले एलिमेंट्स मेटल, उस साइड वाले एलिमेंट्स नॉन मेटल, ठीक है। और क्या दिया आपकी बुक में, ओके
आर्सेनिक और एंटीमनी मेटलॉइड्स है, जैसा कि मैंने बता दिया आपको, आर्सेनिक और एंटीमनी दोनों ये दोनों मेटलॉइड्स है, ठीक है। बिस्मथ मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट मेटल है, सही बात है, ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है, गैसियस नाइट्रोजन, ब्रिटल फॉस्फोरस, नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। आप लोग जानते हो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों के दोनों नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। तो यही बातें थी छोटी मोटी, आप लोग जानते हो इनको, ठीक है। तो अच्छे से इनको फिलहाल नोट कर लो, अब आगे देखेंगे क्या करना है, ठीक है। और थोड़ा डीप में जानेंगे कौन हार्ड है, कौन सॉफ्ट है, कौन लस्टरस है, कौन नहीं है, है ना। चलिए सो हम लोग देख लेते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब आज कुछ भारी नहीं है यार, आज हम बस आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक रेडियस, इनका ट्रेंड, बस यही हम लोग देखेंगे और लेक्चर एंड कर देंगे, ठीक है। तो एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आज का लेक्चर एकदम ईजी जाने वाला है। अच्छा एक और बात, जो एलिमेंट्स आपको नाइट्रोजन है, कार्बन है, लोग फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मतलब आप बोलो एक कार्बन ला के दे दो तो नहीं मिलेगा, वो लोग पॉली एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे CN2, N2, P4, ठीक है, ऐसे स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, C60, N2, P4। मतलब ये ऐसा नहीं, एन आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको मिलेगा तो एन टू मिलेगा। अब आगे आप लोग चेंज कराओ, ये कराओ, वो कराओ, बात अलग है, बट आपको जो नेचुरली मिलेगा वो मिलेगा एन टू। कोई एक नाइट्रोजन लेकर आओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। C60 के फॉर्म में मिलेगा फॉस्फोरस, पॉलीएटॉमिक फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, नाइट्रोजन डायएटॉमिक फॉर्म में मिलेगा। तो ऐसे फॉर्म्स में लोग मिलते हैं, आप अगर बोलो कि सिंगल फॉर्म में, मोनोवेलेंट फॉर्म में मिले तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे थे हम लोग। सो ग्रुप 13 का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, और जो ग्रुप 14 का होता है, और जो ग्रुप 15 का होता है, देखेंगे हम लोग क्या होता है, ठीक है। आप लोग तुरंत बता ले जाओगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है। इसका होता है NH2NP1, इसका होता है NH2NP2, इसका होता है NH2NP3। अब दो ही में होता है क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नहीं, वैलेंस शेल का, किसका, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है। एन क्या है यहाँ पे, पीरियड नंबर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो आप बस उसका पीरियड निकालो और आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दोगे वैलेंस शेल की, ठीक है। जैसे मैं गैलियम की बात करूं तो कौन से पीरियड का ये, बाल गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हैं, ज़्यादा हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ पीरियड का है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 4p1 आएगा, देखो आपकी टेक्स्ट बुक में यही दिया होगा, यस 4s2 4p1 दिया है, नहीं समझे। देखो और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल की कमी नहीं अपने पास, बाल गया इंसान टकला, वाह। और यहाँ पे क्या है, कैन सीता गेट स्टनिंग पब्लिसिटी, ठीक है, ना पैसा असली, सब भिखारी, सभी भिखारी है, ठीक है। तो पीरियड देखते हैं, इसका पीरियड 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, अरे लिख लो बाजू में क्या जा रहा है, ठीक है लिख लिया। तो क्या करना है आपको, किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो जनरल केस में रखो और एन की जगह, और एन की जगह, और एन की जगह पीरियड नंबर डाल दो। जैसे नीट वगैरह में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेता है, क्या मजाक कर रहे हो, उठा के देख लो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, हाँ रेयर चांस है बट पूछ लेता है। तो आप वहाँ पे हो सकता है कभी शॉर्टकट ना मार पाओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, या तो 1s2 2s2 2p1 ऐसा कर दो, है ना। मतलब गलतियाँ हो सकती है आपसे, कहीं पे भी आप ऑर्डर भटक जाओ या कुछ और कर जाओ, तो ऑर्डर ऑर्डर ना भटको, इसके लिए जनरल केस याद रखने का। तो फिर ऑप्शन में हमेशा शुरुआत का सेम रहेगा, या फिर उन लोग कंडेंस फॉर्म में देंगे, कंडेंस मतलब नियन लगा के फिर आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देने का, उतने इलेक्ट्रॉन गायब करके, ना छोड़ो जाने दो, ठीक है कंडेंस वाला छोड़ो, हाँ। तो उन लोग कैसा लास्ट में ही चेंज करेंगे, लास्ट में उन लोग कभी NH2NP3 ऐसा लिख देंगे, ग्रुप सपोज ग्रुप 14 का सिलिकन है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए 3s2 3p2 फाइनल शेल में, बट उन लोग ऐसा लिखेंगे 3s2 3p1 3s2 3p2 3s2 3p3 3s2 3p4, बताओ कौन सा सही है। जनरल केस तो शायद NH2NP2 था, हाँ तो 3s2 3p2 सही होगा, तो ऐसा याद करने का, ठीक है। तो पीरियड नंबर एन की जगह आपको पुट करना है और आपको सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। फॉस्फोरस का निकालो तो फॉस्फोरस का पीरियड 3 है, ग्रुप 15 है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइनल होगा 3s2 3p3, देखो बुक में, अरे हाँ ये तो यही है, वाह जादू। और किसका निकालना है, बिस्मत का भी निकालना है, चलो 6 पुट कर दो, 6s2 6p3, अरे जादू इसका भी यही है अच्छा ये कौन था यार, टिन का निकालना है, टिन का कैसे आएगा, अच्छा 5 पुट कर दो, 5s2 5p2, देखो टिन को 5s2 5p2, यस। और किसको देखना है, किसको बाकी रह गया देखना, चलो बोरॉन को देख लो, बोरॉन 13 का है, 2 पुट कर दो, 2s2 2p1, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5, तो 5 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, देखो ये आ रहा है ना फाइनल शेल का,
मतलब आखिरी शेल जो होगा उसमें तीन इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो तीन इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होता है। तो ये जनरल केस आप लोग याद रखो, ठीक है, और साइड में ऐसा छाप के लिख दो कि एन होता है पीरियड नंबर, कौन एन होता है पीरियड नंबर, ठीक है, और पीरियड नंबर आप लोग पुट करोगे तो आपको जनरल केस मिल जाएगा। तो अब अपने से ही सोच लो, सबका सोच लो, लीड का क्या होगा, टिन का क्या होगा, लीड का क्या होगा, टिन का क्या होगा, थैलियम का क्या होगा, इंडियम का क्या होगा, गैलियम, जर्मेनियम, सबका सोच लो, और सोचने के बाद टेक्स्ट बुक खोल के मैच करो कि क्या मैंने सही सोचा या मैंने गलत सोचा, ठीक है। चलो तो करके बताना आप लोग, वैसे आ ही जाएगा, ठीक है। तो यही था बस हमारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, और कुछ खास नहीं था। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का हम लोग ट्रेंड देख लेते हैं अब। चलो ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 शो वाइड वेरिएशन, फालतू बातें, बोरॉन मेटलॉइड है और ये ग्लासी और हार्ड सॉलिड है मेटल की तरह, बट पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, छोड़ो। अदर एलिमेंट इन दिस ग्रुप आर फेयरली रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। एल्यूमिनियम इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, सम फिजिकल एंड, अरे छोड़ो, देखो एटॉमिक रेडियस देखते हैं, ठीक है। ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप 13, ठीक है। सो हम लोग जानते हैं नीचे जाते समय एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, तो नीचे जाते समय वैलेंस शेल बढ़ते हैं, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ना चाहिए, मतलब सबसे कम बोरॉन का, फिर एल्यूमिनियम का, फिर गैलियम का, फिर इंसान का, इंडियम का, फिर थैलियम का, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। एक्सेप्शन बताया था मैंने, ये नहीं बताया था, चलो छोड़ो, यहाँ पे लिख लो रियल क्या होता है, रियल ऑर्डर इसका क्या होता है। रियल ऑर्डर में जो गैलियम है वो पीछे आ जाता है और एल्यूमिनियम आगे चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको इनकी वैल्यूज़ भी दी हुई हैं, आपको याद नहीं करना है, बट मजे के लिए लिख सकते हो, इसका 88, इसका 143, इसका 135, इसका 153, ठीक है, 167 और इसका 170, पिकोमीटर में ये वैल्यूज़ हैं एटॉमिक रेडियस की, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है भाई, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज एल्यूमिनियम में डी सबशेल नहीं होता है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर बोलो 13, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, इतना ही होगा। बट अगर हम गैलियम की बात करें तो यहाँ पे इसका डी सबशेल आ जाता है, और हम जानते हैं डी ऑर्बिटल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। सबसे खतरनाक शील्डिंग इफेक्ट किसका, एस का, फिर किसका, पी का, फिर किसका, डी का, फिर किसका, एफ का। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट तो एफ का है, बट एफ से पहले डी का है, तो क्योंकि यहाँ पे गैलियम में पुअर शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है और न्यूक्लियर चार्ज 18 यूनिट से बढ़ जाता है, 18 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं, तो 18 प्रोटॉन भी आ जाते होंगे, तो न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो खींच लेते हैं, ज़्यादा नहीं बट फिर भी 8 यूनिट्स कम हो जाती है। और फिर देखो यहाँ और यहाँ में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 167, यहाँ पे भी एक्सेप्शन आ सकता था। तो एक्सेप्शन याद रखोगे, ये एटॉमिक रेडियस का है। अगर हम आयोनिक रेडियस की बात करें तो आयोनिक रेडियस में नॉर्मल ट्रेंड चलता है। आयोनिक रेडियस मतलब आपने एक इलेक्ट्रॉन इससे लूज करा दिया, तब रेडियस कितना होगा, तो उसमें नॉर्मल ट्रेंड चलता है। ये वंडरवॉल रेडियस से मैंने नहीं बताया, ये आपको एटॉमिक रेडियस के हिसाब से बताया है, ठीक है। अच्छा, आयोनिक रेडियस का सिंपल केस रहेगा, बाल, गया, इंसान, टकला, बहुत हो गया यार, मतलब मैं टकला नहीं हो रहा, तो अभी इंसान को ही टकला किए जा रहे हो, ठीक है। सो ये आयोनिक रेडियस होता है, इसकी वैल्यूज भी दी हुई है, बट लिखना नहीं है आपको, मजे के लिए लिख सकते हो, ठीक है, 62, 80, 88.5 शायद, यस, ठीक है। सो ये वैल्यूज़ हैं आयोनिक रेडियस की, आयोनिक रेडियस मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन उसमें से लूज किया रहेगा, ठीक है। सो चाहो तो प्लस साइन भी बना सकते हो। तो ये हो गए हमारे आयोनिक रेडियस। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी की भी हम लोग बात करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी बात करेंगे। फिलहाल आप लोगों को ये ट्रेंड समझ में आना चाहिए। एटॉमिक रेडियस में यहाँ पे क्यों एक्सेप्शन आता है, क्योंकि डी ब्लॉक का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से गैलियम ज़्यादा खींच जाता है, ठीक है। ये क्या हो गया, उल्टा लिख दिया शायद मैंने, यस, गैलियम का 135 है, वही मैं सोचूं कि यार इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज कैसे हो रहा है, इसका 143 है, सॉरी नहीं लिखे थे ना, ये सब लिखते भी नहीं है, फालतू बातें, ये भी मत लिखना नोट्स में, ठीक है, फालतू बात है, टेक्स्ट बुक में दिया इसलिए मैंने लिख दिया। और थोड़ा बहुत याद रखोगे तो कैसा है, मतलब कभी कोई आपको ज़्यादा नॉलेज देने लगे तो उसको ऐसा नॉलेज दे देने का, अरे बोल रहे थैलियम का एटॉमिक रेडियस कितना है, सामने वाला हैंग, आप पूरी लिस्ट बता दो, बोरॉन का 88, गैलियम का 135, एल्यूमिनियम का 143, इंडियम का 167, थैलियम का 170, जा पढ़ के आ। दोस्त लोग पे यूज़ कर सकते हो, टीचर्स पे मत ट्राई करना, वरना तुम्हें ही पढ़ के आना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अच्छा ये देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी से एक बार सीधा सीधा जेई में क्वेश्चन आ गया था। तीन आयोनाइजेशन एंथैल्पी दी थी और पूछी थी बताओ ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो सकती है। और जहां तक मुझे याद है ये बोरॉन की आयोनाइजेशन या फिर एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी थी। तो कैसे पहचानते इसको हम लोग, देखो जैसे हम बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम और इंडियम और थैलियम की बात करें, सो इसमें आप लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखोगे तो यहाँ पे नियरली 800 है, 801 है, इधर 2477 है, अच्छा 2427 है और इधर 3659 हो गई है। मतलब पहली आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अच्छा बोरॉन का जरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलो क्या है, 2-3, ठीक है। तो पहला इलेक्ट्रॉन जब इसने लूज़ किया, आसानी से लूज़ कर दिया क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2, 2s2, 2p1, तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो लूज़ कराना आसान था, थोड़ी सी एनर्जी दी हो गया। अब ये 2s2 है तो इधर से अगर हम इलेक्ट्रॉन लेना है तो बहुत एनर्जी देनी होगी, बहुत एनर्जी देनी होगी, है ना, क्योंकि ये 2s2 है, फुलफिल्ड है, तो हमें इसको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ी, तब एक इलेक्ट्रॉन निकला। अब ये बन गया 1s2, 2s1, अभी आसानी से लूज कर सकता है, बट ऑलरेडी इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, इसलिए इसको इससे भी ज़्यादा एनर्जी देनी होगी, इसलिए ऐसा इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ते जाता है, ठीक है। ऐसे एल्यूमिनियम का भी देख लो, 577, 1816, मतलब रफ वैल्यूज ऐसे याद रखो, मतलब मन में ब्लर तरीके से ही याद रहे, बट थोड़ा बहुत याद रहे, ठीक है, मे भी सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाए। सो इसका भी वही है कि यहां से जब आपने एक इलेक्ट्रॉन लूज कराया वो आसानी से लूज कर गया, बट उसके बाद फुलफिल था, तो फुलफिल था तो इसके लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी, तब जाके उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, और क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया था इसलिए तीसरा वाला इतना आसानी से नहीं कर रहा था, तो आपको और भी ज़्यादा एनर्जी उसको देनी पड़ी, ठीक है। इसका है 579, 1979 और 2962, ये इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, गैलियम का सेम केस है, ठीक है। बस आप लोग टेबल बना लो इसका, अच्छे से लिख लो, 558, 1820, 2704, 589, 1971, 2877, ठीक है, छोटी मोटी वैल्यूज़ में मिस्टेक हो तो माफ़ करना। अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी लिख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग जाते हैं नीचे जाते समय घटती है ना, बट यहाँ पे कुछ और ही केस दिया हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी है 2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, ठीक है, मतलब सबसे ऊपर वाले की तो सबसे ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नीचे आते समय घटी भी है लेकिन उसके बाद बढ़ने लगी है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर कुछ ऐसा हो गया, बेरिलियम का, बोरॉन का सबसे ज़्यादा, फिर थैलियम का, फिर इंडियम का, फिर गैलियम का और फिर एल्यूमिनियम का, तो एक्सेप्शन कभी ख़त्म नहीं होंगे, एक्सेप्शन तो आपके सामने आते रहेंगे, ये लो एक और एक्सेप्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ये कैसे डिफाइन की गई है, इसका जवाब आपको मिलेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले वीडियो में, ठीक है, वहाँ पे मैंने बताया कि आखिर इसको डिफाइन कैसे किया गया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। फिलहाल क्या हमें ये सब रटने हैं, नहीं रटने हैं, कैसे फिर, देखो ये हम समझ सकते हैं, एग्जाम में जब क्वेश्चन आया था तो मुझे पता नहीं था यार ये कौन से अतरंगी सवाल आ गए, बट मैंने आंसर करेक्ट मार्क किया क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन था ग्रुप 13, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ऐसा मतलब अलग अलग ऑप्शन था, बट मैंने सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखा, 13 का किया, 12 का किया, जो भी जितने भी थे, बट फिर मैंने पाया कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आ रहा है, ठीक है, ऐसा आ रहा है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मुझे समझा कि यहाँ पे पी के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसको निकालना ईजी होगा, इसीलिए पहली वाली एनर्जी बहुत कम दी हुई है, देखो ना बहुत कम एनर्जी दी हुई है ना। फिर ये 2s2 हो गया और एक तो उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर दिया, तो आपकी बार आसानी से लूज नहीं करेगा, तो इसलिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी, समझ रहे हो। उसके बाद उसने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एक और लूज कराना है तो उसके लिए और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी, इस लॉजिक से करना रहता है, रट्टा नहीं मारना इन सबको, ये सब रटोगे तो यार कितना रटोगे तुम, हैं स्टोरेज नहीं फुल हो जाता, ठीक है चलो लॉजिक नहीं ज़्यादा। अच्छा डेंसिटी का ऑर्डर, डेंसिटी का ऑर्डर नीचे जाते समय डेंसिटी बढ़ती है, सबसे कम बेरिलियम की, एल्यूमिनियम की, गैलियम की, इंडियम की, थैलियम की, इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं, ठीक है, डेंसिटी नीचे जाते समय बढ़ती है, इतना याद रखने का, इसमें वैल्यूज़ वगैरह याद करने की ज़रूरत आपको नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हटाओ वो सब, ठीक है, ये डेंसिटी का ऑर्डर, इसको याद रखो। चलो सो ग्रुप 13 के बारे में आई थिंक हमने काफ़ी कुछ डिस्कशन कर लिया, बोरॉन नॉन मेटल है और क्या, एल्यूमिनियम, बोरॉन मेटलॉइड है, एल्यूमिनियम और बाकी सारे एलिमेंट्स मेटल है, ठीक है, तो ये हमने स्टडी कर ली है, ये भी ध्यान में रखना, और बाकी सबके बारे में अब हम पढ़ते हैं ग्रुप 14 के बारे में, ठीक है, ओके। सो अब ग्रुप 13 के एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड की बात करते हैं, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप 13, और आयोनिक रेडियस की भी बात इसी में कर लेंगे, नॉर्मल ट्रेंड है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सॉरी ग्रुप 14,
ठीक है, नॉर्मल ट्रेंड है, जो आप लोग सोचते हो वही होगा इसमें। एक्चुअली देखो जो आप सोचते हो ठीक है, बट केमिस्ट्री में हमेशा प्रैक्टिकल किया जाता है, प्रैक्टिकल करने के बाद उस पर सोच विचार करके एक फालतू सी थ्योरी दे दी जाती है। फालतू सी गलत वर्ड यूज़ कर दिया, लॉजिकल सी थ्योरी दे दी जाती है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अभी जैसे ग्रुप 14 में देख लो, एटॉमिक रेडियस का मैं ऑर्डर लिखता हूँ, ठीक, कैन सीता गेट स्टनिंग पब्लिसिटी। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, जर्मेनियम पीछे नहीं आया, कार्बन का जो एटॉमिक रेडियस है वो है 77, इसका है 118, इसका है 122, इसका है 140 और इसका है 146। तो यहाँ पे जर्मेनियम इसके पीछे नहीं आया, क्या कारण था, क्या कारण था जो पीछे नहीं आया? क्या इसमें डी ब्लॉक नहीं आया, मतलब इसमें डी सबशेल नहीं आया? आया, इसमें भी डी सबशेल आया, बट इधर का न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा नहीं हो पाया जितना पिछली बार हो गया था गैलियम में, जिसके वजह से वो एल्यूमिनियम से आगे चला गया, मतलब पीछे चला गया, है ना। तो अबकी बार न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा नहीं हो पाया, देखो डिफरेंस कितना है, चार का, बस चार का, थोड़ा सा और न्यूक्लियर चार्ज होता तो ये पीछे आ जाता, तो हमें इसको भी एक्सेप्शन मानना पड़ता, बट क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं है तो एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर नॉर्मल है, जो कि नॉर्मली रहता है, ठीक है। आयोनिक रेडियस की बात करें, आयोनिक रेडियस मतलब यार आयंस के फॉर्म में, तो उसका भी सेम टू सेम ऑर्डर है, C3+ कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, सेम ऑर्डर है यार आयोनिक रेडियस का भी, 3+ सबके ऊपर लगा सकते हो क्योंकि वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रुप 13 के भी, ग्रुप 14 के भी, है ना। सो आप लोग उसमें भी 3+ लगा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो ऐसे लिख लो, ये हो गया आयोनिक रेडियस। अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड, आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड, इसका भी यहाँ पे सेम केस रहेगा आपको, कैल्शियम सिलिकन जर्मेनियम टिन लीड, ओके। सो यहाँ पे इसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है 1086, इसका है 786, इसका है 761, इसका है 708, इसका है 715। तो एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि आयोनाइजेशन एनर्जी नीचे जाते समय घटती है, अब यहाँ पे हमें घटती हुई दिख रही है यहाँ तक, बट ये देखो ये इससे ऊपर आ गया, एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है भाई, जितना एक्सेप्शन तुम ढूंढोगे उतना ही मिलता जाएगा, जितना एक्सेप्शन तुम ढूंढोगे उतना ही तुम्हें मिलता जाएगा ये चैप्टर्स में। मुझे खुद सिर्फ 30% एक्सेप्शन मालूम है, समझ जाओ। टीचर्स को, अरे उनको तो सब मालूम रहता होगा, मतलब जिस टीचर ने बुक पढ़ी है अच्छी अच्छी, उन्हें लगभग लगभग सारे के सारे एक्सेप्शन मालूम होंगे, चाहे वो डेंसिटी का हो, चाहे वो एटॉमिक रेडियस का हो, चाहे वो आयोनाइजेशन एनर्जी का हो, हम कौन से याद करते हैं जो एग्ज़ाम में आएंगे। तो इसमें एक्सेप्शन क्या, देखो नीचे जाते समय आयोनाइजेशन एनर्जी घटती हाँ दिख रहा है, बट ये यहाँ पे तो बढ़ गई, तो मतलब ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, है ना, बट याद नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगली आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी होती है 2352 और इसकी अगली होती है 4620 और फिर नेक्स्ट फोर्थ वाली क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये ग्रुप 14 का एलिमेंट है, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसको लूज कराने होंगे, तो 4 आयोनाइजेशन एनर्जी दिखाई गई है, तो फोर्थ वाली होती है 6220। याद नहीं करनी है वैल्यूज, बस इसका ट्रेंड समझना है, कैसा ट्रेंड, कि पहले बहुत कम, बहुत ज़्यादा, एकदम ज़्यादा, ये ट्रेंड समझना है, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। ये सब एग्जाम में नहीं आता है, 1537, 1411, 1450, ओके, 3228, 3300, 2942, 3081, अच्छा यहाँ का क्या है, 4354, 4400, 3929, 4082, ये हो गया इसका आयोनाइजेशन एनर्जी का चार्ट। अब इसमें बस ट्रेंड आप लोग ऑब्जर्व कर लो, और ताकि आपको एग्जाम में अगर कभी इस टाइप के एलिमेंट का ऐसा क्वेश्चन आ जाए जैसा जेई में आया था कि 3 आयोनाइजेशन एनर्जी दी हुई है, देख के क्या लगता है एलिमेंट कौन से पीरियड का होगा या कौन से ग्रुप का होगा, ठीक है। सो उसके हिसाब से आपको बताना रहता है, सो इसके लिए प्रिपेयर रहा करो, ठीक है। थोड़ा घटिया मैंने टेबल बनाया है, टेबल क्या, मैंने सीसॉ बना दी है, सीसॉ नहीं रे, समुद्र, सी बना दिया, सी, सौ नहीं, है ना, एकदम सुंदर, वाह वाह, बहुत बढ़िया, ठीक है। उतना गड़बड़ भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बस ट्रेंड को ऑब्जर्व करना है। कार्बन का देखो सिलिकन से बहुत ज़्यादा होता है, अब इसका भी कारण हम लोग समझ सकते हैं, क्यों, देखो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है 2s2 2p1 ऐसा होता है, हाँ, 2 2 4 2 6, है ना। तो इसका जो p ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
तो ये लगभग लगभग स्टेबल कंडीशन में, अनस्टेबल कब होते हैं, अनस्टेबल तब होते हैं जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए, चार पे अनस्टेबल हो जाएंगे। दो पे लोग स्टेबल है क्योंकि भाई एक जगह खाली है, तो ये बल्कि चाहेगा कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, मैं स्टेबल हो जाऊँ, है ना, एकदम पावरफुल हो जाऊँ। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहता है। और एक और कारण है, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है और सिलिकॉन में शेल ऐड हो जाता है, शेल ऐड हो जाता है तो वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा सा कम हो जाता है। शेल ऐड होता है तो ऑर्बिटल्स भी तो आते हैं, सब शेल आने के बाद न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना भी तो चाहिए। नहीं, यहाँ पे बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डी सबशेल आ जाएगा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगी, बट यहाँ नहीं बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे डी सबशेल नहीं आता है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 14 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, डी दिखाई भी नहीं देगा, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। सो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड याद रखना, डेंसिटी का ट्रेंड फिर से सेम होगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ, अच्छा नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, चलो रफ करके बताता हूँ, ठीक है। ये ट्रेंड बस एक बार देख लो, ज़्यादा कुछ इसमें रटो मत, ट्रेंड याद रखो। चलो डेंसिटी देखो, डेंसिटी सबसे ज़्यादा लीड की, फिर एंटीमनी की, ठीक है, मतलब ऑर्डर तो सेम रहेगा, नीचे जाते समय डेंसिटी बढ़ती है, ठीक है, थोड़ा सा एक्सेप्शन आएगा गैलियम की, फिर इसके बाद आ जाती है कार्बन की, और सिलिकॉन की सबसे कम होती है डेंसिटी, ठीक है। तो थोड़ा बहुत डेंसिटी को भी ध्यान में रखना, सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है, सिलिकॉन की, सबसे ज़्यादा किसकी, एंटीमनी की, ठीक है। चलो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट छोड़ दो, फालतू बातें हैं, ओके। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देख लेना, फालतू बातें हैं। अच्छा, अब बात करते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स की। ग्रुप 15 एलिमेंट्स को नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं, मैंने बता दिया, थोड़ी फालतू बातें रीड कर लेते हैं। गैसियस नाइट्रोजन ब्रिटल फॉस्फोरस, ठीक है, नॉन मेटल है, मैंने बता दिया। आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड है, मैंने बता दिया। बिस्मथ मेटल है, मैंने ये भी बता दिया, बस टेबल बताना है, ठीक है। चलो, तो ये डेंसिटी का ऑर्डर है, ये डेंसिटी का ऑर्डर को आप लोग याद रखना। अगर हम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, इसका है 2, इसका 1.8, इसका 1.8, इसका 1.8, इसका 1.9, ऐसा ही है शायद, अच्छा अच्छा इसका 2.5 है, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इनकी। सो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिखे तो उसका ऑर्डर आएगा लीड, फिर सिलिकॉन, फिर सब बराबर, मतलब सिलिकॉन बड़ा है, फिर सब बराबर, चाहे जिसको पहले लिख दो, ठीक है। ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, ठीक है। ये हमने ग्रुप 14 की बात कर ली, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, फिजिकल प्रॉपर्टीज बस। चलो ग्रुप 15 की बात करते हैं, चलिए इसमें मजा आएगा। ग्रुप 15 का ट्रेंड देखते हैं, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस इन ग्रुप 15। एटॉमिक रेडियस तो नॉर्मल है अपना, ऊपर से नीचे जाते समय बढ़ेगा, मजा आएगा आपको आयोनिक रेडियस में, ना पैसा असली सब भिखारी, ठीक है, नॉर्मल है, ले लो मजा। अब बताते तुमको आयोनिक रेडियस, आयोनिक रेडियस बोलता है कि भैया सबसे कम एटॉमिक रेडियस इसका, यार कौन है ये, लीड, ठीक है, फिर कौन, बिस्मथ, फिर कौन, नाइट्रोजन, फिर कौन, फास्फोरस, फिर कौन, आर्सेनिक, बताओ भाई। सबसे ज़्यादा आयोनिक रेडियस है आर्सेनिक का, फिर है फास्फोरस का, फिर है निकल का, फिर है बिस्मथ का, और सबसे कम है लीड का। सोचो इतनी खतरनाक आयोनिक रेडियस, अच्छा कितनी कितनी है, ठीक है, इसकी 76, इसके 112 आई थिंक, ठीक है, 76, 103, 171, 202, 212, 222, ठीक है। सो ये एटॉमिक रेडियस है, वैल्यूज़ नहीं याद करनी है, ऑर्डर याद करना है बस, ऑर्डर पूछेगा, वैल्यूज़ कभी नहीं पूछेगा, पागल थोड़ी ना वो कौन बॉट जो पेपर सेट करता है एप्लीकेशन पे, ठीक है। सो आयोनिक रेडियस की बात करें हम लोग तो ऐसा ऑर्डर आता है, एटॉमिक रेडियस की बात करें तो नॉर्मल ऑर्डर आता है। फ़र्क क्या है दोनों में, अरे मैंने बताया था ना फ़र्क, आयोनिक रेडियस मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद जो रेडियस बनता है वो, एटॉमिक रेडियस बोले तो नॉर्मली है ना, नॉर्मल, ओके। सो एटॉमिक रेडियस भी बात कर ली हमने और आयोनिक रेडियस की भी बात कर ली। आयोनाइजेशन एनर्जी देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, डेंसिटी देख लेता हूँ एक मिनट, अगर कुछ एक्सेप्शन हो तो मैं बता दूंगा, वरना फिर नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल है डेंसिटी का अभी ऑर्डर, नॉर्मल है। ये जो आपने ऑर्डर लिखा है ना, सेम ऑर्डर लिख देना डेंसिटी का, नीचे आप लोग टॉपिक डालना ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, यहाँ पे नीचे डाल देना ऑर्डर ऑफ डेंसिटी और सेम टू सेम छाप देना, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी की मैं बात कर लेता हूँ, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड, आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऐसा है ना कुछ,
शायद की बार टेबल एकदम अच्छा बनेगा। बहुत अच्छा बना है, बहुत बढ़िया। ठीक है, सो इसका 1402 होता है पहला आयोनाइजेशन एनर्जी। और इतना ज़्यादा क्यों? क्योंकि ये ग्रुप 15 के, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल वाला होता है NH2NP3 देख रहे हो, मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहेगा, तो बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। अगली वाली भी इसकी डबल एनर्जी देनी पड़ेगी और फिर इससे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ रहे हो ना ज़्यादा क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया, और लूज करवाना है तो और एनर्जी देनी पड़ेगी। पढ़ाया तो था ना आयोनाइजेशन एनर्जी में आपको ये सब, हाँ याद भी होगा आपको, मुझे पता है कुछ लोग गुस्सा होते होंगे, अरे याद तो है, आगे पढ़ाओ ना। ठीक है, सो इसलिए इजी हो जाता है थोड़ा सा। हमने क्या किया, हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, उसके बाद सबका हम एप्लीकेशन कर रहे, पहले ग्रुप 1 और 2 में किया, अब पी ब्लॉक में कर रहे, मतलब इसमें कर रहे थे 13, 14, 15 में। इसका कैसा, इसका 1012। अच्छा, इसका कम क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग जानते हैं न्यूक्लियर चार्ज नीचे जाते समय घटता है, या फिर छोड़ो इलेक्ट्रो आयोनाइजेशन एनर्जी नीचे जाते समय घटती है, इसलिए कम है। ठीक है, 947, 834, 703। ओके, अगला वाला क्या होगा, 1903, 2910, 2736, 2443, 2466। इधर क्या है, 1610, 1595, 1708। ठीक है, सो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ होती है किलो जूल पर मोल में। खैर वो सब छोड़ो, वैल्यूज़ आपको याद नहीं करनी है, बस ट्रेंड देख लो कि हमने जब ग्रुप वन का देखा तो वहाँ पे हमें 7 दिखा पहले, है ना, मतलब 801 के करीब था कुछ। पहले वाले एलिमेंट का कौन सा था, वो बोरॉन मेटलॉइड था। उसके बाद हमने 500 के आसपास देखा, फिर उसके बाद सीधा डबल हो जा रही थी वैल्यू, डबल मतलब ट्रिपल हो जा रही थी, ऐसा बोलो 500 के रिस्पेक्ट में, 1800, 1700 ऐसा। और जब हमने ग्रुप 2 देखा, मतलब ग्रुप 14 देखा, तो वहाँ पे हमने देखा पहले 1000 था, फिर 900, 800 ऐसे आया। यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे 1500 के करीब है, फिर 1000, फिर 900, 800 ऐसा चल रहा है। तो ये ट्रेंड बस थोड़ा सा याद रखो, वैल्यूज कोई नहीं याद रख सकता यार, मजा के क्या वैल्यू कोई याद रखेगा, पागल हो गए ऐसा करोगे? वैल्यूज याद नहीं की जा सकती, इसलिए हम लोग बस ट्रेंड याद रखते हैं कि भाई उसमें कुछ 700 के करीब था, इसमें कुछ 1000 के करीब है, उसमें कुछ 1000 के करीब था, ऐसे याद रखने का। ठीक है, वैल्यूज़ नहीं याद करने का। तो अब आपको करना क्या है, देखो अब आप बोर्ड की टेक्स्ट बुक उठाना और पूरी रीड करना एक बार। क्या करना, बोर्ड की टेक्स्ट बुक उठाना, पूरी रीड करना, क्योंकि जितना मैंने पढ़ाया सब कुछ आप लोग रिलेट कर पाओगे। और एक एक बार सारी वैल्यूज़ को, सारे एक्सेप्शन को, सारे ऑर्डर्स को रिवाइज़ कर लेना, इतना काम है आपका। और हाँ, एक बार नोट्स को चेक कर लेना कि आप जो ये लिखते हो ना, इसको कहीं उल्टा तो नहीं लिख देते? क्योंकि एक बार मेरे साथ क्या हुआ था, सर ने मतलब ऑर्डर बताया और मेरे मन में पता नहीं क्या था, मैंने मतलब उल्टा लिख दिया ऑर्डर, और ऑनलाइन लेक्चर था, बाद में रिकॉर्डिंग कौन देखता है फिर। सो मैं नोट्स खोला बहुत दिन बाद रिवाइज़ करने में, बोला यार ऑर्डर ऐसा क्यों आ रहा है, थ्योरी में तो ऐसा लिखा है और असली ऑर्डर तो उसका उल्टा ही बना है, यहाँ पे क्या गड़बड़ है। बहुत रिसर्च और डेवलपमेंट किया फिर होते ना कुछ लोग डायलॉग, बहुत रिसर्च और डेवलपमेंट की है तब ऐसा पता चला है। तो वैसा मैंने किया और फिर उसके बाद मैंने देखा यार मैंने खुद गलत लिख दिया, सर ने ऐसा लिखा था। सो आपको वो सब देखना होगा, ध्यान से नोट्स को बनाया करो, ऐसा मत करो पहले ये वाला साइन मार दो, कुछ लोग ऐसा साइन मार देते तो पूरा उल्टा हो गया फिर। तो इसलिए एक बार टेक्स्ट बुक रीडिंग जरूर करो, और लेक्चर को मैंने बोला है दो बार देखो, बहुत समय है आपके पास, दो बार देखो। पहली बार मजा मस्ती में सो के, बैठ के, लेट के, जैसे पसंद है वैसे देखो, और दूसरी बार में बुक लेके 100% दिमाग में जाएगा। दो बार लेक्चर देखो, लेक्चर के बाद तुरंत रिवाइज कर लो, नहीं याद हुआ तो मेरा नाम बदल देना, जो टीचर्स बोलते हैं उनका भी नाम बदल देना, वैसे ऐसा होगा नहीं। अगर आप दो बार लेक्चर सुनते हो और उसके बाद पढ़ लेते हो, सो 101% कैसा भी स्टूडेंट हो, कैसा भी रहने दो, सब स्टूडेंट एक जैसे होते हैं, सबका दिमाग एक है, सबको याद हो जाएगा। चलो छोड़ो फालतू बातें, नहीं अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। चलिए, थैंक यू सो मच।